Hello students, welcome to our channel. Today we are going to start chapter light. You might have seen a beam of sunlight. आपने sunlight को देखा ही होगा. When it enter a room, जैसे ही light enter करती है, you may have also seen beam of light from the headlamp of a scooter. किसी भी scooter से जब light आती है तो कैसी होती है? Car and engine. Similarly, a beam of light can be seen from a torch. किसी भी torch से भी हम देख सकते हैं कि beam of light कैसे enter करती है. Some of you may have seen a beam of searchlight. Searchlight को observe किया होगा आपने. From a lighthouse or from an airport tower. What do these experiments suggest? जब ये light travel करती हैं अलग-अलग cases में, जैसे अभी हमने कहा car से, scooter से, engine से, right? किसी टॉर्च से या सर्च लाइट से, तो हाउ यू ऑब्जर्व कि वो रेज किस तरह से जारी होती हैं. व्हाट डू दीज एक्सपीरियंसेस सजेस्ट, ये जो एक्सपीरियंस हैं वो आपको क्या सजेस्ट करते हैं. सो हियर आवर टॉपिक इज, फर्स्ट टॉपिक दैट इज लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. हम यहाँ पर ये देखेंगे कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, हमेशा स्ट्रेट लाइट में लाइन में ट्रेवल करती हैं. बुजो रिकॉल्स एन एक्टिविटी ही परफॉर्म इन क्लास सिक्स क्लास में वो एक्टिविटी रिमाइंड करता है जिसमें उसने एक एक्टिविटी में क्या किया था. इन एक्टिविटी ही लुक्ड, उसने देखा, ही लुक्ड इन अ स्ट्रेट, कोई भी एक स्ट्रेट होल में, राइट. फर्स्ट थ्रू अ स्ट्रेट पाइप, पहले तो स्ट्रेट पाइप से देखा. एंड देन थ्रू अ बेंड पाइप, एक बार अगर स्ट्रेट लाइट से, ऐसे पाइप से अगर हम देख रहे हैं किसी भी लाइटेड कैंडल को, राइट, तो ईजिली यू कैन ऑब्जर्व इट. अब कोई भी एक बेंडेड पाइप है लाइक दिस इफ यू कंसिडर, राइट, तो यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कोई भी एक लाइटेड कैंबर, सो वी आर नॉट एबल टू लुक एट इट, है ना. तो इसका मतलब क्या ऑब्जर्वेशन हुई हमारी, दैट इट ओनली ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. Why was Bujo not able to see the candle flame through a bent pipe? Teddy, जो bent pipe थी उसमें से क्या ऐसा हुआ कि वो light को नहीं देख पाया. This activity showed that the light travel along a straight line. तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं, we conclude on that point that light always travel in a straight. क्योंकि जहाँ पर ये कैंडल बर्न हुई होगी तो जब स्ट्रेट लाइन होगा तो दिस इज़ अ हर्डल, राइट, यहाँ पर आगे लाइट पास ही नहीं हो पाई होगी और इस वजह से वी आर नॉट एबल टू सी इट. दिस एक्टिविटी शोज दिस, हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट. नाउ द थिंग इज कि अगर लाइट कहीं पर भी ट्रेवल करती है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो क्या उसके पाथ को चेंज किया जा सकता है. Do you know what happen when light fall on a polished or shiny surface? किसी भी shiny या polished surface पे जब light travel करती है, strike करती है, तो क्या होता है? So here our next topic is reflection of light. To understand कि कैसे आप किसी भी light को change कर पाएंगे, इसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? Reflection. One way to change the direction of light is to let it fall on a shiny surface. इसके लिए हमने क्या किया, एक शाइनी सरफेस लिया, दिस इज़ द सरफेस, राइट. अब इसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, किसी भी लाइट को फॉल करवाते हो. फॉर एग्जांपल ए शाइनी सरफेस, स्टेनलेस स्टील लेते हैं और अ शाइनी स्टील स्पून, कोई भी स्पून ली, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है. द सर्फेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ मिरर, वाटर का जो सर्फेस होता है वो भी मिरर की तरह बिहेव करता है. एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट, और वो भी लाइट के पाथ को चेंज कर सकता है. हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज, हैव यू सीन कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, राइट, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज को या बिल्डिंग्स को देखा हो. एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज मिरर्स, कोई भी पॉलिश्ड या कोई भी शाइनी सरफेस कैसे एक्ट करता है, एज ए मिरर एक्ट करता है. व्हाट हैपन When light fall on a mirror. So let's see कि कैसे कोई भी मिरर
कोई भी शाइनी सरफेस के ऊपर जब लाइट फॉल करती है तो क्या होता है? यू हैव लर्नड इन क्लास 6 दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट. हमने देखा कि जैसे ही कोई भी लाइट जब फॉल करती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, राइट? दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड, सॉरी, द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हाट आई एम सेइंग, लिसन केयरफुली. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ मिरर, राइट? दिस इज वी कंसिडर अ मिरर एंड अ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. एक लाइट इसके ऊपर फॉल करती है. नाउ दिस स्ट्राइक एंड कम बैक टू द सेम मीडियम, राइट? सो इट चेंजेस, ये चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गई किसकी? लाइट की, राइट? तो ये फिनोमिना जो है, उस फिनोमिना को हमने नाम दिया क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हाट वी कॉल्ड इट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन विच यू गॉट द लाइट ऑफ अ टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर? क्या कभी तुमने वो एक्टिविटी माइंड में लाए हो जिसमें आप लाइट ऑफ टॉर्च को लेते हो और उसको रिफ्लेक्ट करते हो? लेट अस परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी. तो हम दोबारा से एक एक्टिविटी करेंगे. नाउ फॉर दिस वी आर डूइंग द एक्टिविटी 11.1. टेक ए टॉर्च, कवर इट ग्लास विद द चार्ट पेपर. आपने क्या करना है? टॉर्च लेनी है एंड देन कवर द फ्रंट ऑफ दैट, जो भी ग्लास होता है उसको चार्ट पेपर से कवर करना है. विच हैज अ 3 नैरो स्लिट, उसमें पतली पतली आपको जगह छोड़नी है. स्प्रेड अ शीट ऑन द चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन. कैन यू सी हियर, दिस इज अ टॉर्च, राइट? दिस इज अ टॉर्च एंड दिस इज द ब्लैक पेपर एंड हियर दिस इज अ स्लिट. 3 स्लिट्स दे हैव मेड. तो आप देख रहे हैं लाइट जो है वो इस तरह से यहाँ पर आती है, राइट? एंड देन एज यू कैप्ट अ मिरर इन फ्रंट ऑफ इट, तो आप देखते हैं कि लाइट जाएगी और फॉल होकर दूसरी डायरेक्शन में यहाँ पर वापस आ रही है, ठीक है? तो दिस इज द एक्टिविटी हेयर. नाउ बट इट इज हेयर ऑन ए स्मूथ वुडन बोर्ड फिक्स से प्लेन मिरर. आपने क्या किया? एक मिरर रखी वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर. नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विद इट्स स्लिट. Place the torch in such a way that the light is seen along the chart paper on the board. Now adjust the position so that light from the torch strike the plane mirror. हमने देखा कि जो भी light थी वो plane mirror को strike कर रही थी. Here you can observe, this is the light, plane mirror को इसने strike किया और आपने देखा कि जो वापस आएगी वो different direction में, same direction में नहीं हुआ. Now does the mirror change the direction of light? Yes. Now move the torch slightly to either side. Do you find any change in the direction of the reflected light? Right? So in this we have one more thing. Pahali remember the story of the lion. Lion ki story isne padhi aur rabbit ki bhi from the Panchatantra, in which the rabbit fooled the king by showing him his reflection light. Unhone kya kiya tha? Reflection ko show kiya tha. So you all remember that story jisme reflection bani thi. To wo kya tha? Image formation hoti hai. And why it is so? Because of the light. Right? So now in this we have, do you find any change in the direction of reflected light? Yes. Here, look into the mirror along the direction of the reflected light. Do you see the slit in the mirror? आपको क्या मिरर में स्लिट दिखाई देती है? This is the image of the slit. जो हमें दिखाई देगा वो क्या होगी? It is called image. मिरर के अंदर this is the object, right? This here, if you will observe a slit, so it formed a image. This activity shows how light get reflected from a plane mirror. Let us play around with the images formed in the mirror and now a little more about them. So here, activity 11.2 we are going to do. Handle the lighted candle with the care. It is better if this activity is performed in the presence of a teacher. So you need to be very careful with the lighted candle. In this activity, we are going to do what? Place a lighted candle इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर. आपको क्या करना है? कोई भी एक प्लेन मिरर लेना है. दिस इज अ प्लेन मिरर. इन दिस प्लेन मिरर वी आर प्लेसिंग अ कैंडल. यहाँ हमने क्या किया? कैंडल का. ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल. कैंडल की फ्लेम को ऑब्जर्व करते हैं. इट अपियर एज इफ अ स्मॉलर कैंडल इज अ प्लेस बिहाइंड द मिरर. तो ऐसा लगता है कि मिरर के आगे भी आपने क्या किया हुआ है? कोई एक और मिरर रखी हुई है, राइट? इट अपियर दैट इट्स अ सेम कैंडल विच इज बिहाइंड द मिरर. Which appear behind the mirror, it is called the image. देखो, this is the object. ये हमारा क्या है? Object है, right? आपने कैंडल रखी और मिरर के अंदर जो हमें दिखाई दे रहा है, this is called image, right? Okay? The candle which we observed
इन द मिरर, जो मिरर में हमें ऑब्जर्व हो रहा है. नाउ द कैंडल इटसेल्फ इज ऑब्जेक्ट. नाउ मूव द कैंडल टू द डिफरेंट पोजिशन इन द फ्रंट ऑफ द मिरर. ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस. आपको क्या करना है, इसकी इमेज को ऑब्जर्व करना है. नाउ दिस इज द इमेज ऑफ अ कैंडल इन अ प्लेन मिरर, राइट. वाज द इमेज अपराइट इन ईच केस. क्या जो इमेज दिखाई दे रही है वो बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, दिस इज द मिरर, राइट. दिस इज द कैंडल एंड हियर वी ऑब्जर्व अ कैंडल इन इट. नाउ दिस इज अपराइट ओनली, वो बिल्कुल सीधी दिखाई दी हमें, राइट. डिड द फ्लेम अपियर ऑन द टॉप ऑफ अ कैंडल. क्या आपको जो फ्लेम ऑब्जर्व हुई वो टॉप पे ऑब्जर्व हुई? यस, yes, है ना, जो फ्लेम थी वो ऊपर ही थी. सच एन इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट इमेज. ऐसी जो इमेजेस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट इमेजेस बोलते हैं, राइट. अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है जो सीधा दिखाई देता है, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट इमेज बोलते हैं. एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट. कोई भी प्लेन मिरर, राइट, लर्न इट, कोई भी प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज दिखाई देती है विच वी ऑब्जर्व, इट इज इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज. जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का भी साइज होगा. नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर. ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन द स्क्रीन. कैन यू गेट द इमेज ऑफ द स्क्रीन. नाउ प्लेस द स्क्रीन इन द फ्रंट ऑफ मिरर. मिरर के फ्रंट पे आपने क्या किया, स्क्रीन रखी. कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन. नाउ यू विल फाइंड द इमेज ऑफ द कैंडल कैन नॉट बी ऑब्टेन. अब आपको वो नहीं दिखाई देगी. व्हाइट इज सो इन द अदर केस. व्हाट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर. लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी, राइट. तो ये हमें इमेज नहीं दिखाई दी. और दूसरा अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस से देखेंगे कि कितना डिस्टेंस वहाँ पर हमें ऑब्जर्व होता है. सो फॉर दिस वी आर गोइंग टू डू एक्टिविटी 11.3. टेक ए चेस बोर्ड. आपने चेस बोर्ड लिया. इफ़ अ चेस बोर्ड इज नॉट अवेलेबल, ड्रॉ ऑन अ चार्ट पेपर 64 8x8 स्क्वायर ऑफ इक्वल साइज. कैन यू ऑब्जर्व हियर, दिस इज 8x8 के आपने क्या किए, स्क्वेयर्स बनाए. ड्रॉ अ थिक लाइन इन द मिडल ऑफ द पेपर. फिक्स ए प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन द लाइन. जो भी लाइन है उसके ऊपर आपने क्या किया, एक मिरर को प्लेस कर दिया. सच अ पेंसिल विद द पेंसिल एंड शॉर्पनर एट द बाउंड्री ऑफ द थर्ड स्क्वेयर काउंटिंग फ्रॉम द मिरर. मिरर से काउंट करके आपको क्या करना है, यहाँ पर एक शॉर्पनर को प्लेस करना है. नोट द पोजिशन ऑफ द मिरर. नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू द बाउंड्री ऑफ द फोर्थ स्क्वेयर. अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को फोर्थ स्क्वेयर में लेके जाना है. अगेन नोट द पोजिशन ऑफ द इमेज. आपको इमेज ऑब्जर्व करनी है. डिड यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ द मिरर एंड दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. जब आप यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे और इनसाइड इफ यू विल काउंट देन यू सी दैट विल बी सेम. ये अगर हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया तो अंदर भी जो डिस्टेंस होगा वो क्या रहेगा, हमारा सेम होगा, राइट. नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट राइट और लेफ्ट. राइट फ्रेंड्स, राइट और लेफ्ट मतलब सीधा, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड. नॉट राइट एंड राइट एंड रॉन्ग मतलब सही और गलत नहीं. इट्स राइट और लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू योर हैंड. सो व्हेन यू सी योर इमेज इन अ प्लेन मिरर इज इट एग्जैक्टली लाइक यू. क्या वो बिल्कुल सेम एज इट इज होता है. हैव यू एवर नोटिस दैट देयर इज वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज. जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने खड़े होंगे, राइट, तो जो ये इमेज बनेगी, यू ऑब्जर्व दैट योर लेफ्ट हैंड साइड विल बी योर राइट हैंड साइड एंड योर राइट हैंड साइड विल बी योर लेफ्ट हैंड साइड, राइट. सो मीन्स योर लेफ्ट बिकम राइट एंड राइट बिकम लेफ्ट. ओके, सो हियर लेट अस फाइंड आउट. सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट व्हाट यू फील द डिफरेंस हियर. सो लेट्स डू एन एक्टिविटी 11.4 फॉर दिस. स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर के सामने खड़े होना है. लुक एट योर इमेज. रेज योर लेफ्ट हैंड. नाउ एज यू रेज योर लेफ्ट हैंड, जैसे ही आपको लेफ्ट हैंड यहाँ पर रेज करेंगे, सो यू ऑब्जर्व इन अ मिरर इट इज़ योर राइट हैंड. आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? विच हैंड डज योर इमेज रेज. इमेज जो होगी वो कौन सा रेज करेगी, राइट. नाउ टच योर राइट ईयर. विच ईयर डज योर हैंड्स टच इन योर इमेज. ऑब्जर्व केयरफुली. यू विल फाइंड दैट इन अ मिरर द राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर राइट. आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो राइट होगा वो लेफ्ट अपीयर होगा और जो लेफ्ट होगा वो कैसा अपीयर होगा, राइट. नोट ओनली साइड आर इंटरचेंज. हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि सिर्फ साइड्स चेंज हुई हैं.
द इमेज डज नॉट अपियर अपसाइड डाउन. इमेज ऊपर नीचे नहीं हुई, मीन्स योर लेग्स आर नॉट योर हैंड्स, है ना, हेड हेड, और इसमें कोई ऑब्जर्वेशन में गड़बड़ नहीं हुई. ओनली द साइड चेंजेस, राइट. नाउ राइट डाउन योर नेम ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर. आपको नाम लिखना है और उसको प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाना है. हाउ डज इट अपियर इन द मिरर, तो मिरर में कैसे दिखाई देगा. इफ यू आर राइटिंग एम्बुलेंस, राइट, एम्बुलेंस, ए एम बी यू एल ए एन सी ई. सो व्हाट आई से कि जो यहाँ से शुरू होगा वो यहाँ दिखाई देगा, राइट. सो इट्स ई सी एन ए एल एम बी एम सॉरी बी एम ए. सो हाउ डज इट अपियर, आपने देखा लेफ्ट क्या हो गया, वहाँ पर राइट हो गया. कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द वर्ड एम्बुलेंस. तो आप देख सकते हैं कि मिरर में सब दिखाई दे तो सबको एम्बुलेंस ही दिखाई दे, फॉर दैट ओनली एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है, राइट. इट इज़ रिटन दिस, व्हेन द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल अहेड ऑफ एम्बुलेंस लुक इन हर रियर व्यू मिरर. जब कोई भी व्हीकल अपने रियर व्यू मिरर में उसको ऑब्जर्व करे तो यहाँ से जो लेटर ऑब्जर्व होंगे वो उसको यहाँ पर एम्बुलेंस में दिखाई दें, राइट. वो दिखाई दें कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, राइट. सो नाउ ही कैन रीड एम्बुलेंस रिटन इट एंड गिव वे टू इट. अब जैसे उसको दिखेगा तो वो वहाँ से अपना उसको वे देगा. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी वन ऑफ अस टू अलाउ एन एम्बुलेंस टू पास विदाउट ब्लॉकिंग इट्स वे. उसके रास्ते को नहीं रोकना चाहिए और उसको पास होने देना चाहिए. यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट इन द साइड मिरर ऑफ अ स्कूटर और ए कार द इमेज ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट अपीयर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट देमसेल्फ. आपने देखा होगा कि जो भी रियर व्यू मिरर्स होते हैं, रियर व्यू मिरर्स में आपने देखा होगा दिस इज कार, राइट, एंड हेयर वी हैव अ मिरर. सो ऑल दिस बैकग्राउंड कम्स इन टू इन दिस स्मॉल मिरर. सो वाइट इज सो, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो भी इमेजेस बनती हैं दे अपीयर स्मॉलर, वो बहुत छोटी हो जाती हैं, राइट. नाउ दिस इज ऑल अबाउट टुडे. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड दिस प्लेइंग विद अ स्फेरिकल मिरर वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू, बाय बाय.